ने कोई गलती की क्या? नहीं, हम एक मुश्किल में थे और टीटीपो ने हमारी काफी मदद की। हाँ, सच में। स्वागत है सबका, कृपया ध्यान से चढ़ें। हम चल रहे हैं। मैं बहुत मेहनत करूंगा और एरिक को खुश कर दूंगा। टीटीपो, तुमने शानदार काम किया, मुझे तुम पर नाज है। मिनी क्या हुआ? क्या हुआ? टीटीपो, मेरी बेटी को पेट में काफी दर्द हो रहा है। एक मिनट रुकिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। रेल में एक लड़की की तबीयत खराब है, क्या आप में से कोई डॉक्टर है जो उसकी मदद कर सके? हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। कहाँ है वो लड़की? पहले डिब्बे में। ठीक है। बहुत अच्छे, थैंक यू। क्या यहाँ पर कोई बीमार लड़की है? हाँ, यहाँ पर। ठीक है प्यारी गुड़िया, अभी देखते हैं। टीटीपो, हमें इसे इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। क्या इसी वक्त? लेकिन अभी तो मुझे कई स्टेशन पर रुकना है। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बीमार लड़की को इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो अगर आपको एतराज ना हो हम किसी स्टेशन पर नहीं रुकेंगे। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। यही सही है, बच्ची की सेहत ज्यादा जरूरी है। हमारी चिंता मत करना। आप सबका शुक्रिया। टीटी को तेजी से अस्पताल के पास वाले स्टेशन पर पहुंच गया। तुम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाओगी, हिम्मत रखो। ठीक है, उसका ध्यान रखना। बिल्कुल, शाबाश टीटीपो। थैंक यू। अब वो ठीक हो जाएगी। टीटीपो ने आज बहुत अच्छा काम किया। अगर टीटीपो नहीं होता तो हम मुश्किल में पड़ जाते, इसलिए इलाज के बाद मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आ गई। टीटीपो ने आज सबका दिल जीत लिया। एरिक और टीटीपो, एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत। ओ देखो, वो रहा एरिक। चलो दिन शुरू किया जाए। वापस आ जाओ। ये टीटीपो और डीजल भी ना, लगता है फिर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। डीजल को पकड़ना जी मिस्टर हर्ब, तुम सफर पर जाने के लिए तैयार हो? जी, मैं बस पहुंच रहा हूं। ओ शाबाश, टीटीपो को साथ लेते आना। ठीक है सर, मैं ले आता हूँ। हाय दोस्तों। एरिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मिस्टर हर्ब ने तुम्हें बुलाया है। बुलाया है? शायद कहीं जाना पड़ेगा मुझे। बाद में खेलेंगे डीजल। ठीक है। हाय मिस्टर हर्ब। ओह, सही समय पर आए। एरिक, कल तो तुम्हारी जांच होनी है ना? जी हाँ, होनी है। हमें एक ऐसी रेल चाहिए जो तुम्हारी जगह जा सके। शायद टीटीपो तुम्हारी जगह जा सकता है। टीटीपो सर? वाह, इसका मतलब मैं बहुत दूर दूर जाऊंगा। मजा आएगा। लेकिन टीटीपो इतने लंबे सफर पर कभी गया नहीं है सर। तो तुम उसकी मदद करो ना, आज अपने साथ टीटीपो को ले जाओ और उसे समझा दो ताकि उसे परेशानी ना हो। जी सर। मैं तुम्हारा शिष्य बन गया एरिक। ठीक है। आज टीटीपो एरिक के साथ जा रहा है। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। टीटीपो, अभी सिर्फ सफर पर ध्यान दो तुम। ठीक है। हमें यहाँ पर रुकना होगा। टीटीपो कहाँ जा रहे हो तुम? इटलिया। टीटीपो, तुम्हें यहाँ रुकना था। ओ हाँ, माफ करना।
हम स्टेशन पर पहुंच गए। कितने सारे लोग हैं यहाँ पर? बिल्कुल सही, इस स्टेशन पर रोज बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए डैड की ट्रेन कितनी फनी है। सही कहा तुमने। अरे तुम क्या कर रहे हो? लोगों को हंसाने की कोशिश। अब बस भी करो तुम। अपना काम पूरा करने के बाद टीटीपो और एरिक वापस चूचू टाउन आ रहे हैं। एरिक आज बहुत मजा आया। टीटीपो आज जैसी हरकतें सफर पर नहीं चलेंगी। तुम स्टेशन से आगे चले गए और अजीब अजीब हरकतें करते रहे। लापरवाही से एक्सीडेंट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कल तुम अच्छे से काम करोगे। ठीक है। अगली सुबह। मिस्टर हब, टीटीपो कहाँ है? टीटीपो लगता है उसे आने में देर हो गई। क्या? मुझे माफ कर दो। आखिर तुम आ गए टीटीपो। तुम्हें यहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए था। उठने में थोड़ी देरी हो गई। चिंता मत कीजिए, मैं आज अच्छा काम करके दिखाऊंगा। तुम्हें यात्रियों को इंतजार नहीं कराना चाहिए। जानता हूँ। तुम्हारे जाने का समय हो चुका है, अब जल्दी जाओ। ठीक है, बाद में मिलूंगा। ला 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 ला। काश ये सफर ठीक से पूरा कर ले। ये वो जगह है जहाँ रेल बनाई जाती हैं और उनकी मरम्मत की जाती है। एरिक जांच के लिए आया है। एरिक, कुछ परेशानी है क्या? आज मेरी जगह टीटीपो सफर पर गया है, उसी की चिंता है बस। उसने अभ्यास के दौरान भी अच्छा नहीं किया और आज सुबह देर से भी उठा। फिक्र मत करो एरिक। क्या? मैं नहीं चाहता एरिक के रूट पर कुछ गड़बड़ हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए टियो। उसने कल बहुत देर तक अभ्यास किया था, वो कर लेगा। टीटीपो ने और अभ्यास किया? हाँ, वो देर रात तक अभ्यास करता रहा, वो इसलिए सुबह देर से उठा था। मुझे ये नहीं पता था। मैं सोचता था टीटीपो हमेशा खेलने के बारे में सोचता है। कितना गलत था मैं। आपका स्वागत है। हेलो जीनी, शुक्रिया। हेलो, टीटीपो ने बताया था वो स्टेशन पर भी रुकेगा। टीटीपो, अजीब बात है, वो रुका क्यों नहीं? टीटीपो एक और स्टेशन से बिना रुके निकल गया। ये क्या हो रहा है? टीटीपो, टीटीपो। जांच पूरी होने के बाद एरिक वापस शहर आ गया। उम्मीद है टीटीपो ने सब ठीक किया होगा। वो घर पर नहीं है? उसको अब तक वापस आ जाना चाहिए था। हेलो एरिक। हाय जीनी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीनी, मैं ये सोच रहा था कि टीटीपो कहाँ है, वो अभी तक लौटा नहीं है। मैंने उसे देखा था, वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। क्यों, क्या किया उसने? वो स्टेशन पर नहीं रुका और सीधा चलता चला गया। उसने क्या? तुम्हें नहीं लगता टीटीपो के साथ कुछ गड़बड़ है, है ना? मैं मिस्टर हर्ब के पास जाता हूँ। बाय बाय। उम्मीद है वो ठीक होगा। हम बस अपने घर जा रहे थे। एरिक, बात क्या है? टीटीपो अभी तक वापस लौट कर नहीं आया है। मैं परेशान हूँ कि कोई बात तो नहीं हुई। जानता हूँ, उससे देर हो गई है। हम भी टीटीपो का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्यों, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। टीटीपो ने कोई गलती की क्या? नहीं, हम एक मुश्किल में थे और टीटीपो ने हमारी काफी मदद की। हाँ, सच में। स्वागत है सबका, कृपया ध्यान से चढ़ें। हम चल रहे हैं। मैं बहुत मेहनत करूंगा और एरिक को खुश कर दूंगा। टीटीपो, तुमने शानदार काम किया, मुझे तुम पर नाज है।
मिनी क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ बच्ची को? क्या चल रहा है बच्ची को? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? टीटीपो, मेरी बेटी को पेट में काफी दर्द हो रहा है। एक मिनट रुकिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। शांत हो जाओ। रेल में एक लड़की की तबीयत खराब है, क्या आप में से कोई डॉक्टर है जो उसकी मदद कर सके? हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। कहाँ है वो लड़की? पहले डिब्बे में। ठीक है। शुक्रिया। बहुत अच्छे। थैंक यू। क्या यहाँ पर कोई बीमार लड़की है? हाँ, यहाँ पर। ठीक है प्यारी गुड़िया, अभी देखते हैं। टीटीपो, हमें इसे इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। क्या इसी वक्त? लेकिन अभी तो मुझे कई स्टेशन पर रुकना है। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बीमार लड़की को इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो अगर आपको एतराज ना हो हम किसी स्टेशन पर नहीं रुकेंगे। करो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। यही सही है, बच्ची की सेहत ज्यादा जरूरी है। हमारी चिंता मत करना। आप सबका शुक्रिया। टीटी को तेजी से अस्पताल के पास वाले स्टेशन पर पहुंच गया। तुम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाओगी, हिम्मत रखो। ठीक है, उसका ध्यान रखना। बिल्कुल, शाबाश टीटीपो। थैंक यू। अब वो ठीक हो जाएगी। टीटीपो ने आज बहुत अच्छा काम किया। अगर टीटीपो नहीं होता तो हम मुश्किल में पड़ जाते, इसलिए इलाज के बाद मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आ गई। टीटीपो ने आज सबका दिल जीत लिया। हाँ, और मैंने उसे कितना गलत समझा। वापस जाकर यात्रियों को छोड़ने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। लेकिन मुझे खुशी है मैंने मिनी को वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ओ, एरिक क्या कर रहा है? चलो अच्छा है, मिनी अब ठीक है। मैं वापस आ गया मिस्टर हब। शाबाश टीटीपो। टीटीपो, तुमसे कोई मिलने आया है। टीटीपो। ओह, मैंने आपको देखा ही नहीं, क्या अब मिनी ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। थैंक यू। तुम सबसे अच्छे हो टीटीपो। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुमने अच्छा काम किया। मुझे बहुत खुशी है कि अब मिनी ठीक है, और तुम्हें एरिक? हाँ, सुनो टीटीपो। हाँ? मुझे माफ कर दो। ओ, क्यों? अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा काम करोगे तुम, लेकिन ये सुनकर कि तुमने एक बीमार बच्ची की मदद की, मुझे बहुत नाज हुआ। शुक्रिया एरिक, मुझे चिंता थी मैं तुम्हें निराश कर दूंगा, शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। अब सोने चलता हूँ। ध्यान से। ठीक है। नटखट टीटीपो ने आज बड़ी सूझबूझ से काम लिया। स्वीट ड्रीम्स। शाबाश टीटीपो। एरिक सबसे अच्छा है। एरिक यात्रियों को लेने जा रहा है। सभी को हेलो। हेलो। हेलो एरिक। हेलो एरिक। राइड के लिए शुक्रिया। बिल्कुल। हाँ? मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं बेटा? हाँ? ये बहुत डरावनी है। पर ये डरावनी नहीं है। ये रेलगाड़ी चला भाई। एरिक, हम कब तक खड़े रहेंगे? मुझे जाना होगा वरना देर हो जाएगी। माफ कीजिएगा मैम। हाँ हाँ, मुझे अब जाना ही होगा। क्या करूँ मैं? काम पूरा करने के बाद एरिक वापस चूचू शहर आ रहा है। मैं आ गया सर। एरिक, तुम थक गए होगे। हाँ। अरे हाँ, याद आया, कल स्कूल के छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। छोटे बच्चे सर?
मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम बस बच्चों को चूचू शहर की अच्छी सैर करवा देना। जी। बहुत मजा आया। मैं आ गया। हेलो एरिक। हाय दोस्तों। एरिक, क्या तुम्हें पता है स्कूल के छोटे बच्चे यहाँ आ रहे हैं? हाँ। मुझे खुशी हो रही है। मुझे भी। मुझसे तो कल तक का इंतजार ही नहीं हो रहा। सबसे पहले उन्हें क्या दिखाएंगे? देखो, मुझे ये काम करना नहीं है, वरना मैं तुम सबकी छुट्टी कर देता। अरे छोड़ो भी, सब बच्चे मेरी सवारी करना चाहेंगे। बच्चों से मैं बहुत अच्छे से घुलता मिलता हूँ। अब बस करो। अरे सच भाई। लगता है डीजल को बच्चे पसंद करते हैं। हाँ, हर किसी की बच्चों से बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है, मैं क्यों नहीं कर पाता। हाँ, शायद डीजल मदद कर सके। तो क्या तुम बच्चों से घुलना मिलना चाहते हो? हाँ, तुम मदद कर सकते हो। पर मुझे तो पता ही नहीं। अरे मजाक कर रहा था मैं। सबसे पहली बात, तुम्हें बच्चों के लिए गाना गाना है। गाना गाऊं? बिल्कुल, बच्चों से घुलने मिलने के लिए एक मस्ती भरा गाना गाओ। समझ गया मैं। फिर उन्हें एक मजेदार कहानी सुनाओ। पर कैसी कहानी सुनाऊं? अरे यही कोई जानवरों या परियों की कहानी। वाव, अच्छा आइडिया है, इसमें तो तुम कमाल के हो डीजल। एक बात और, मैं तुम्हें अपना समझ के बता रहा हूँ। वाव। एंडी के पास जाओ। एंडी? हाय एंडी। एरिक, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। एंडी, क्या तुम मुझ पर कोई पेंटिंग कर सकते हो? तुम पर? हाँ, क्योंकि कल छोटे बच्चे घूमने के लिए चूचू शहर आ रहे हैं। ओह, तो ये बात है। ठीक है, बना दूंगा। मुझे सुंदर बना दो प्लीज। हैंडी से डिजाइन बनवाकर एरिक चूचू शहर के लिए चल पड़ा। ये डिजाइन बच्चों को पसंद आएगा। ओ, ये गड़गड़ाहट कैसी है? बारिश हो गई। अरे नहीं, ये तो सोचा नहीं था। मुझे जल्दी वापस पहुंचना होगा। अरे बाप रे, अब क्या होगा? बारिश की वजह से पेंटिंग खराब हो जाएगी। बच्चों, ये है मिस्टर हर्ब। हेलो मिस्टर हर्ब। हेलो बच्चों, चूचू शहर में स्वागत है। एरिक को देर हो गई। अजीब बात है। मैं आ गया। हेलो। एरिक। क्या हो गया? एरिक, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारा सारा पेंट खराब हो गया एरिक। क्या? मैंने ये अभी करवाया था, फिर बारिश हो गई। बच्चों को बिठाकर छोटी रेलगाड़ियाँ उन्हें चूचू शहर की सैर करवा रही हैं। देखो बच्चों, ये है फ्यूल स्टेशन। वाह, ये कितना प्यारा है। चले चल के देखें। पर हमें अभी रुकना होगा, वहाँ बच्चों का दूसरा ग्रुप अभी देख रहा है। वाह, बोर हो गए। सुनो बच्चों, गाना सुनना चाहते हो? चग चग चू चू चग चग चू चू खुशियाँ मनाए हम सब मिलके और खुश होकर चग चू चू गाए सब मिलके। अच्छा, तो फिर एक मजेदार कहानी सुनोगे? एक मजेदार कहानी? बढ़िया। मैं इन्हें तीन छोटे पिग्स की कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, तीन छोटे भेड़िये थे। फिर एक दिन एक ताकतवर पिग आया। ताकतवर पिग? कहानी तीन पिग्स की थी, तीन भेड़िये कहाँ से आए? ठीक कहा, मैं फिर से सुनाता हूँ। एक बार की बात है, तीन छोटे पिग्स एक साथ रहते थे। बच्चों को सैर करवाने के बाद छोटी रेलगाड़ियाँ इकट्ठा हुई। बच्चों को सैर करा के मजा आ गया। उन्होंने हमारे घर भी देखे और खूब सारी मस्ती भी की। बच्चे हमेशा हंसते रहे। तुम्हारा टूर कैसा था? मेरा टूर? अरे अरे, आराम से। आप ठीक हैं? जी मैडम। क्या आप बच्चों के साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगी? हाँ जरूर। ठीक है बच्चों, यहाँ खड़े हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा मेरे साथ फोटो खिंचवाएगा। एरिक, तुम नहीं आओगे? तुम खिंचवाओ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, क्यों? मैं ये पेंट धोना चाहता हूँ, बाद में मिलता हूँ तुमसे। एरिक। मुझे लगता है मैं बच्चों को खुश नहीं कर पाया।
टिटीपो टिटीपो। कुछ दिनों बाद अपना काम पूरा करके एरिक चूचू शहर लौट रहा है। हाँ? वो तो किंडर है, पता नहीं क्या हो गया। हाय किंडर। हे एरिक। ओह, ये तुम हो एरिक? हाँ हेलो, क्या यहाँ कुछ परेशानी है? हम सब चिड़ियाघर जा रहे थे, लेकिन अचानक किंडर में कुछ खराबी आ गई। दूसरी बसें अपने काम पर हैं, इसलिए हम घूमने नहीं जा पाएंगे। हाँ, क्या मैं उन्हें ले जाऊँ वहाँ? नहीं, बच्चे मुझे पसंद नहीं करते, मैंने उनका दिन खराब कर दिया था। हाँ? क्या हम चिड़ियाघर नहीं जा पाएंगे? मुझको तो जानवर देखने हैं। इनका घूमने का कितना मन कर रहा है। सुनिए मैडम, हाँ? अगर आप चाहें तो किंडर की जगह क्या मैं इन्हें चिड़ियाघर ले जाऊं? सच में? ये तो बहुत अच्छा होगा। चलो शुक्र है। मैम, तो क्या हम चिड़ियाघर जाएंगे? और क्या हम पिकनिक भी करेंगे? हाँ, एरिक की वजह से हम घूमने जा पाएंगे। थैंक यू सो मच एरिक। कोई बात नहीं। एरिक बच्चों को लेकर चिड़ियाघर जा रहा है। तो ये लो, हम आ गए। शुक्रिया एरिक। काम चल रहा है? माफ करना बच्चों, पर चिड़ियाघर आज बंद है। मुझे तो जानवरों को देखना था। यहाँ अब क्या किया जा सकता है? हाँ, जरा सुनिए, मैं आपको दूसरी जगह ले जा सकता हूँ। वहाँ पर भी जानवर हैं, बहुत सारे जानवर। सच में? हाँ? सच में? एरिक बच्चों को लेकर खेतों की तरफ जा रहा है। देखो गाय के बच्चे, ये कितने प्यारे हैं। हेलो सर। एरिक, तुम यहाँ कैसे आए? असल में आपसे एक मदद चाहिए। मदद? तुम क्या चाहते हो? मैं बच्चों को लाया हूँ और मैं सोच रहा था आप इन्हें ये जगह दिखा दें। अच्छा, मैं दिखा दूंगा। शुक्रिया सर। खेतों में बच्चे बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसे दबाओ और दूध बाहर। लगता है बच्चे बहुत खुश हैं। मुझे अच्छा लगा। शुक्रिया, गुड बाय सर। बहुत अच्छे, बाय एरिक। एरिक, वो जगह बहुत बहुत अच्छी थी। ठीक कहा, चिड़ियाघर में घूमने से भी ज्यादा मजा आया। हमें वहाँ ले जाने के लिए शुक्रिया एरिक। मुझे अच्छा लगा ले जाके। बच्चों, घर जाने का समय। मुझे घर नहीं जाना है। मैम, एरिक के साथ थोड़ी देर और खेलना चाहते हैं हम सब। मुझे लगता है एरिक थक गया होगा। मैं तो बिल्कुल नहीं थका, मैं कुछ और जगह ले चलूं। सच में? ये तो बहुत मजेदार है। ठीक है, तो चलते हैं हम सब। एरिक बच्चों को लेकर खुले मैदानों से गुजरा, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। और फिर समुद्र किनारे बने बंदरगाह गया। सब बच्चे ऊपर देखो, स्वागत है। ये कितना प्यारा है। चग चग चू चू, चग चग चू चू। खुशियाँ मनाए हम सब मिलके, और खुश होकर चग चू चू गाए हम सब मिलके। और फिर उनके अलग होने का समय आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया एरिक, तुम्हारी वजह से आज हम सब घूम पाए। आज का दिन मजेदार था, बहुत खुश है हम। सबसे अच्छे हो एरिक। हाँ। मुझे अच्छा लगा। मुझे तुम्हें बाय बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी। एरिक, क्या तुम हमारे साथ फोटो लोगे? हाँ प्लीज। बताओ एरिक, क्या कहते हो तुम? जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, तैयार हो जाओ। एक, दो, तीन। लगता है पिकनिक के दौरान एरिक और बच्चों की अच्छी दोस्ती हो गई। आज तुम सच में सबसे अच्छे रहे एरिक। माफ कर दो एरिक।
छोटी रेलगाड़ियां गोल चक्कर पर इकट्ठा हुई हैं। हेलो दोस्तों। ओ हाय एरिक। हेलो। तुम्हें एक नई बात पता चली? कौन सी बात? कुछ दिनों के बाद हमारे प्लांट में एक फेस्टिवल होने वाला है। फेस्टिवल? मेरा तो सुनकर ही दिल खुश हो गया। अच्छा लगा ना, वहाँ गाना गाएंगे और आतिशबाजियाँ होंगी। आतिशबाजी होगी, मजा आएगा। हाँ तो क्या वहाँ हम सब एक साथ चलें? हाँ ज्यादा मजा आएगा। चलो अब मैं चलता हूँ, याद रखना तुम लोग। ठीक है। एरिक कितना खुश है ना? हाँ सच में। आखिरकार फेस्टिवल का दिन आ गया। हमें अब चलना चाहिए। लेकिन ओ? एरिक तो अभी तक नहीं आया। वो आया क्यों नहीं अब तक, जबकि उसी ने जाने को कहा? हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ। तुम्हारा ही इंतजार था, चलो चले। तुम्हें मेरे बिना ही जाना होगा। क्या? पर क्यों? बताओ ना। मेरी अचानक ड्यूटी लग गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। उम्मीद है तुम लोग मजे करोगे। मजे तो आएंगे, चलो जल्दी चलते हैं। नहीं एरिक, हम तुम्हारे बिना नहीं जा सकते। हाँ एरिक, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। ऐसा कहने के लिए बहुत शुक्रिया। अब जाना होगा, चलो बाद में मिलता हूँ। ध्यान से काम करना। बाय 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 एरिक। डीजल, ये कैसे कह दिया कि उसके बिना चले जाएंगे? तो क्या हम जा नहीं रहे? सच कहूँ तो मुझे बुरा लग रहा है। हाँ मैं भी जाना चाहता था। आज हम सबको एक साथ छुट्टी मिली और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या करें, कुछ और करने का सोचते हैं। सुनो दोस्तों, एक बार वहाँ चलकर तो देखते हैं कि आखिर वहाँ है क्या क्या। नहीं, अगर एरिक को पता चलेगा तो बुरा लगेगा उसे। हम बस जल्दी से जाके देख के आ जाएंगे, उसे पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा ना? मुझे तो ऐसा करना ठीक लग रहा है। अगर थोड़ी देर देखना है तो। इतना मत सोचो, आओ चलते हैं जल्दी से। छोटी रेलगाड़ियाँ प्रोडक्शन प्लांट पहुँच गयी जहाँ फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ ट्रेन पेंटिंग भी हो रही है। मैं तो गार्डन एक्स की तस्वीर बनवाऊंगा। कोई स्टेज पे गा रहा है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। सुनो दोस्तों, हम यहाँ थोड़ी ही देर के लिए आए हैं। मेरे लिए रुको। बढ़िया, कितना अच्छी जगह है। तुम और मैं यूं ही हम मिलकर चले। हमारी दोस्ती है सबसे प्यारी, तारों जैसी चमके आली, ये दोस्ती है न्यारी। अगले दिन की शुरुआत। कल मजा तो बहुत आया, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है, हम एरिक के बिना चले गए। मुझे भी। हाँ, आज सुबह वो मुझसे मिला भी था। हाय एरिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लोको। उसका मूड बहुत खराब लग रहा था। क्योंकि वो फेस्टिवल नहीं जा पाया इसलिए। अब हम क्या करें? कोई तो तरीका होगा जिससे एरिक का मूड ठीक हो जाए। उस रात काम के बाद छोटी रेलगाड़ियां एरिक को समुद्र किनारे ले गईं। एरिक, बाहर आकर अच्छा लग रहा है ना? यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर आए क्यों हैं? क्योंकि हम फेस्टिवल नहीं जा पाए। हा? तो हमें लगा आज रात कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा ये बात है। वाह, आसमान में देखो टूटते हुए तारे। एक वहाँ पर भी है। हाँ एक वहाँ पर भी है। ऐसा लग रहा है आतिशबाजी हो रही है। आतिशबाजी हो रही है? इससे एरिक को फेस्टिवल की याद आ जाएगी। कुछ सोचना होगा जल्दी। सुनो दोस्तों, तारे देखना बंद करके गार्डियन एक्स देखते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होगा। चलो जल्दी चलते हैं एरिक। हाँ छोटी रेलगाड़ियाँ ऑडिटोरियम में पहुँच गई। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मुझसे भी। और उन्हीं में से एक था वो फेस्टिवल जो ट्रेन प्रोडक्शन प्लांट में हुआ। जी हाँ बिल्कुल, आइए उस फेस्टिवल के कुछ दृश्य देखें। अरे कितना अच्छा सा। आपका स्वागत है, आज मैं शामिल हुई हूँ ट्रेन प्रोडक्शन प्लांट के फेस्टिवल में। हाँ? अरे नहीं,
ट्रेन प्रोडक्शन प्लांट का फेस्टिवल दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे बड़े सभी के लिए कुछ न कुछ है। टीवी पर है। चीज़ें कुछ करो जल्दी। ओहो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मदद करो। डीजल को बहुत तेज दर्द हो रही है, अब हम क्या करें? क्या हुआ तुम्हें डीजल? मुझे नहीं पता। हाँ? नहीं मालूम, मुझे टीओ के पास ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। गार्डियन एक्स, डीजल जल्दी मेरे साथ जुड़ जाओ। अब मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। क्या? पर तुम तो दर्द से कराह रहे थे। पर अब मैं ठीक हूँ। देखो गार्डियन एक्स। चलो टीवी देखें। डीजल की तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई है। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। टिटीपो टिटीपो। अच्छा दोस्तों, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। अभी से? मुझे जाकर कुछ काम करना है। बाय दोस्तों। ठीक है, गुड नाइट एरिक। लगता है उसे खुश करने का हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। वो उदास है क्योंकि फेस्टिवल नहीं जा पाया। क्यों ना हम एरिक के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखें? एरिक के लिए प्रोग्राम? हम अपने शहर में ही बहुत बढ़िया फेस्टिवल करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। एरिक को ये बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो ठीक है, कल सुबह से ही तैयारियां शुरू करते हैं। ठीक है। अगले दिन छोटी रेलगाड़ियां फेस्टिवल की तैयारियों में जुट गई। हमें जल्दी करनी होगी। एंडी, हम अपने शहर में फेस्टिवल। टीटी पोने ट्रेन पेंटिंग में हिस्सा लेने के लिए एंडी से बात की। जब भी रात की हो बात। जीनी और लोको फिक्स और लिफ्ट को गाने के लिए कह रहे हैं। और डीजल प्रोडक्शन प्लांट में गया है टेओ के पास। तुम्हें कल आतिशबाजी करनी है? हाँ, और एरिक को मत बताना, ठीक है? हाँ, और एरिक को मैं ना बताऊं? ओह सॉरी, मुझसे ये नहीं होगा, कल मुझे कुछ और करना है। सच में? आज एरिक के स्पेशल फेस्टिवल का दिन है। कितना अच्छा सा है। लेकिन अफसोस है, फेस्टिवल में आतिशबाजी नहीं होगी। कोई बात नहीं, हमने इतनी तैयारी की है, एरिक को उसकी कमी नहीं खालेगी। हाँ जीनी, सही कहा। हाय दोस्तों। एरिक आ गया। यहाँ पर ये सब किसके लिए? फेस्टिवल। एरिक, ये फेस्टिवल तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हमें पता है तुम उदास थे क्योंकि तुम फेस्टिवल में नहीं जा पाए। मेरे लिए किया? और एरिक, हम फेस्टिवल में गए थे, माफी चाहते हैं। हाँ, फेस्टिवल में गए थे तुम सब। जब तुमने कहा कि नहीं जाओगे तो हम भी तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहते थे। पर हमारा मन कर रहा था इसलिए चले गए थे। हम माफी चाहते हैं एरिक। ये बात है, असल में दोस्तों मुझे भी कुछ बताना है। बताना है? असल में मैं भी फेस्टिवल गया था। क्या? उस रात जब मैं काम से लौट रहा था। हाँ, फेस्टिवल अभी भी चल रहा है, मुझे सबको लेकर आना चाहिए यहाँ। वाह, क्या नजारा है, कितने सुंदर हैं। थोड़ी देर देख लेता हूँ और फिर मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया। मैं माफी चाहता हूँ मेरे दोस्तों। एरिक, तुम हमारे बिना घूमने चले गए, ये ठीक नहीं किया। लेकिन डीजल, हमने भी तो वही किया ना। अरे हाँ, भूल गया। चाहे हम अलग अलग गए लेकिन हमने फिर भी फेस्टिवल तो देख ही लिया। इस बार हम सब मिलकर मौज मस्ती करेंगे। जरूर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझ पर सबसे अच्छा डिजाइन बना दो तुम। ठीक है, हो जाएगा। क्या तुम हंस क्यों रहे हो? बहुत ही अच्छा गाते हैं और दोस्तों के साथ तो मजा और बढ़ जाता है। थैंक यू दोस्तों। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सब पसंद आया। असल में मैंने भी कुछ तैयार किया है। वो यही बाहर है।
वाह, तो फिर चलते हैं। हाय, क्या तुम्हें मजा आया? ओ टियो, तुम्हें तो कुछ और काम था ना? बिल्कुल था, एरिक के साथ था। क्या, एरिक के साथ? हाँ, मैंने टियो से कहा था अगर वो कुछ आतिशबाजी कर सके तो। एरिक, तुमने कहा? लेकिन डीजल भी तो टियो के पास इसी काम के लिए गया था। पहले एरिक ने मुझसे कहा, फिर डीजल भी मेरे पास उसी काम के लिए आया, तो मुझे अजीब लगा। तुम्हारे बिना आतिशबाजी देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वाह, सोचा तो हमने भी यही था, मजेदार बात है। ठीक है, तो आ जाओ सब, अब शो शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हम साथ में देख रहे हैं। सच में? एरिक और दूसरी छोटी रेलगाड़ियों को अब पता है कि उन्हें एक दूसरे का कितना ध्यान रहता है,